जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी की कैंटीन में बाहर की तुलना पर चीजें बहुत सस्ती मिलती है, लेकिन कितनी सस्ती मिलती है और कैसे ये सस्ता दिया जाता है। दूसरी चीज, एक आर्मी पर्सनल अपने कैंटीन कार्ड से कितना ज्यादा शॉपिंग कर सकता है कैंटीन से। आर्मी कैंटीन में जो माल आता है वो किस तरीके से आता है, सभी डिटेल्स कैंटीन से रिलेटेड आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैंटीन से रिलेटेड। देखिए, इंडियन आर्मी में जो कैंटीन है उसे कहा जाता है CSD, यानी कि कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट। और कैंटीन में चीजें जो सस्ती मिलती है इसके पीछे मुख्य दो कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि कैंटीन से अगर कोई सामान खरीदा जाता है तो उसके ऊपर जो GST टैक्स लगता है उसमें 50% की कटौती मिलती है। अगर मान लीजिए बाहर किसी भी आइटम के ऊपर 18% का GST टैक्स लगता है, तो वही चीज अगर कोई पर्सनल कैंटीन से खरीदता है तो उनको 9% का ही GST देना है। दूसरी चीज है कि आर्मी कैंटीन में जितने भी माल खरीदे जाते हैं वो सीधे कंपनी से बल्क में डील की जाती है। इससे होता यह है कि कंपनी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन है, होलसेल वालों की मार्जिन है, रिटेल वालों की मार्जिन है, ये सभी कम हो जाते हैं। अब मान लीजिए कोई भी आइटम 100 रुपए का है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्जिन लगाता है 10 रुपए, होलसेल वाला 10 रुपए और रिटेल वाला 10 रुपए, तो 100 रुपए का माल बन गया 130 रुपए का। कैंटीन में ये चीज नहीं है, कैंटीन में आपको 100 रुपए का माल 100 रुपए में ही खरीदने को मिलता है। इसीलिए आर्मी कैंटीन में आपको दारू भी बहुत सस्ते पर मिलेगा, क्योंकि दारू के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगते हैं और उन टैक्सेस को कैंटीन के थ्रू अगर आप दारू खरीदते हो तो 50% आपको टैक्स देना नहीं पड़ता है, इसलिए दारू भी वहां पर सस्ता मिलता है। अब एक आर्मी पर्सनल अपने कैंटीन फैसिलिटीज का उपयोग स्मार्ट कार्ड के थ्रू करता है। एक पर्सनल के पास में 2 स्मार्ट कार्ड होते हैं। अब एक होता है ग्रोसरी कार्ड, जहां पर ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और तमाम सारी चीजें खरीदी जा सकती है, और दूसरा कार्ड होता है लिक्वर कार्ड, यानी कि उसमें आप दारू खरीद सकते हो। दोनों कार्ड का ही एक लिमिट होता है जो कि सालाना होता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पर्सनल चाहे तो जितना मर्जी शॉपिंग वो नहीं कर सकता कैंटीन से, उसकी भी एक लिमिट है और वो लिमिट उनके स्मार्ट कार्ड में ही इंक्लूड होता है। इस पूरे भारत वर्ष में लगभग 3500 यूनिट रन कैंटीन्स मौजूद है। अब इंडियन आर्मी को कैंटीन फैसिलिटीज इसलिए दिया जाता है ताकि हमारे आर्मी पर्सनल्स को हाई क्वालिटी आइटम्स लो प्राइस में दिया जा सके। अब किसी भी पर्सनल के जो कैंटीन कार्ड है वो कैंटीन कार्ड उनके ऊपर डिपेंडेंट सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सोल्जर है, उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी उनके बच्चे अगर चाहे तो वो कार्ड दिखा करके किसी भी कैंटीन से शॉपिंग कर सकती है। इसके लिए पर्सनल के वहां पर मौजूद होना जरूरी नहीं है। कार्ड अगर वो दिखाता है, डिपेंडेंट कार्ड अगर वो दिखाता है तो उनको भी शॉपिंग करने का मौका दिया जाएगा, बट जो कार्ड का लिमिट है उसी के मुताबिक। आशा करता हूँ आर्मी कैंटीन के बारे में अगर आपके दिल में कोई भी सवाल था तो इसी वीडियो के थ्रू वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखनी है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम ऐसे ऐसे कंटेंट डालते हैं जो आपको यूट्यूब पर किसी भी और डिफेंस चैनल पर नहीं मिलेगा, ये वादा है मेरा। जय हिंद, वंदे मातरम।